अब बहुत कम समय रह गया, 7 तारीख को इस राजस्थान के भविष्य का निर्णय आप लोगों को करना है। 5 साल का लंबा इंतजार, जो दुख, जो पीड़ा, जो निराशा हम लोगों ने सहन करी है, उसका समय आ गया अंत करने का। और 7 तारीख को अगले 5 साल की सरकार का निर्णय आप लोगों को करना है। अभी भगवत जितेंद्र सिंह जी और अशोक गहलोत जी बात कर रहे थे अलवर जिले के विकास की, ये बात सच है। अलवर में तभी विकास हुआ है जब कांग्रेस का शासन आया है, कांग्रेस की छाया आई है, चाहे वो रेल का हो, अस्पताल का हो, नौकरियों का हो, उद्योग का हो। जो दर्जा अलवर को मिला है वो कांग्रेस के सरकारों में ही मिल सकता था। आज वसुंधरा जी की सरकार को 5 साल पूरे हो गए, चारों तरफ मायूसी छाई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, हमारे दलित भाई बहन आदिवासियों के ऊपर लगातार अत्याचार होते हैं, अतिक्रमण होता है, जातियां होती हैं। और दोनों सरकारें प्रदेश और केंद्र की भाजपा की हैं। अलवर वो जिला है जैसा जितेंद्र सिंह जी ने कहा, लगभग 11-12 महीने पहले डॉक्टर करण सिंह जी हमारे सांसद यहां मौजूद हैं, जब उपचुनाव हुआ था तो पूरी सरकार यहां आगे पड़ गई थी। अलवर अजमेर में मुख्यमंत्रियों का पूरा मंत्रिपरिषद आगे पड़ गया। और आप सबको याद होगा अलवर के उपचुनाव में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया, धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अलवर क्षेत्र के लोगों का, आपने मुंह तोड़ जवाब दिया और 2 लाख वोटों से कांग्रेस पार्टी जीत कर गई। राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया, जो सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से और सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सांस ऊपर नीचे हो जाती है, कोई जवाब देने को नहीं है। भ्रष्टाचार पे, महंगाई पे, आतंकवाद पे, नोटबंदी पे, काले धन पे, रोजगार पे ये चर्चा करना नहीं चाहते। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर भी आकर गए होंगे, मैंने अखबार में पढ़ा कि पिछले 24 दिन से वो लखनऊ गए नहीं, यही चक्कर काट रहे हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के। कभी हनुमान जी की जाति बताते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं। इस प्रकार के राजनीति को समाप्त करो। भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है धर्म की, जाति की, गोत्र की, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी बात करना चाहते हैं खेत की, बिजली की, बीज की, नौकरी की, निवेश की, ये बातें हम करना चाहते हैं। समय कम है, 7 तारीख को निर्णय आप लोगों को करना है। और आप सब जानते हो हमने संकल्प ले लिया है, सरकार कांग्रेस की बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा राजस्थान के अंदर। और हमारी महिलाएं, जो बच्ची राजस्थान में पैदा होगी उसके जन्म से लेकर आखिर तक, वो लड़की कितना पढ़ना चाहे, कहां भी पढ़ना चाहे, कैसा भी पढ़ना चाहे, उसका पूरा खर्च राजस्थान की कांग्रेस की सरकार उठाने वाली है। अब तो साथियों निर्णायक मोड़ आ गया, 2 दिन का समय है। जो चौतरफा माहौल बना है कांग्रेस के पक्ष में उसे बरकरार रखना है। कुछ लोग अगर माहौल को खराब भी करना चाहें तो हाथ जोड़ के प्यार मोहब्बत से बात करो, बोलो चुनाव 7 तारीख को है, 11 तारीख को बोरिया बिस्तरा बंद करके बीजेपी को यहां से विदा करो और यहां पर कांग्रेस की सरकार बनाओ। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी का यहां पर स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां बजाकर राहुल जी का स्वागत करिए। और अलवर क्षेत्र के लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, यहां 10 जगह चुनाव है, 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को जीतनी चाहिए। जोरदार तालियां बजाकर आश्वासन करिए। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।